नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम ट्राइकलर बर्फी बना के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 लीटर मिल्क लिया है, ये फुल क्रीम मिल्क है, और शुगर ली है, ये कम से कम 100 ग्राम शुगर है, एक नींबू का रस, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है। तो सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हमें इसे 30 मिनट्स तक पकाना है और इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। इसके बाद हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, इसे इस तरह से डाल के एक ही बार ऐसे चला लेना है और बॉईल होने देना है। मैंने फिर से फ्लेम हाई कर दिया है। 1 मिनट के बाद इसमें इस तरह से दाने बनना शुरू हो गया है, तो इसे और थोड़ी देर बॉईल करना है। ये देखिए, अब इसमें अच्छी तरह से दाने बन गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये देखिए, इस छन्नी की मदद से हमें इस दूध को छान लेना है। और हमें इसे इस तरह से प्रेस करके इसमें जो भी पानी होगा उसे निकाल देना है। अब हमें इसे फिर से कढ़ाई में डाल के गर्म करना है। इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है, तो वो पानी कम करने के लिए इसे हम और गैस पे पकाएंगे। लगभग पानी सूख गया है। अब हम इसमें ये जो चीनी थी ये डालेंगे। हमें ध्यान रखना है कि पूरा चीनी नहीं डालना है, जितना ये मिक्सचर दिख रहा है उतना ही चीनी डालें, या फिर स्वादानुसार चीनी डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी डालने के बाद इसमें पानी छूटने लगता है, इसलिए हमें इसे और पकाना है। ये देखिए, इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा मोटा मोटा लग रहा है, तो इसलिए हम इसे ठंडा होने देंगे और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। हमारा मिक्सचर अब ग्राइंड हो गया है, तो हम इसे फिर से उसी कढ़ाई में निकाल के इसे फिर से थोड़ा सा गर्म करना है। तो इसे इस तरह से चलाते रहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ट्राई कलर की मिठाई बना रहे हैं, इसलिए हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पे ट्राई कलर की मिठाई बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर लिया है और हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी डालेंगे। तो देखिए, इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब ये बन गया है। ये जो दूसरा मिक्सचर है इसे हम कढ़ाई में डालेंगे। अब हम इसमें ये ग्रीन कलर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलर डालने के बाद ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो इसलिए हमें इसे पकाते रहना है। अब हमें इसे ठंडा होने के लिए रखना है। ये देखिए, हमारी ये ट्राई कलर की मिठाई ठंडी हो गई है। और मैंने इसे सेट करने के लिए एक बाउल लिया है। बाउल को मैंने यहाँ पे प्लास्टिक लगाया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी लगाया है। प्लास्टिक पेपर की जगह आप बटर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ग्रीन कलर डालेंगे। ग्रीन कलर को अच्छे से इसे स्प्रेड करना है। इसके बाद हम इसमें ये सेकेंड लेयर व्हाइट कलर का डालेंगे, तो इसे डाल के भी इसी तरह से प्रेस कर लेना है। ये देखिए, हमारा व्हाइट लेयर अच्छे से लग गया है। अब हम इसमें ये जो ऑरेंज कलर का जो लेयर है ये डालेंगे, तो इसे थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड करना है। ये देखिए, हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। ये अच्छी तरह से सेक भी हो गई है, तो इसे प्लेट में इस तरह से निकालना है, इसे उल्टा कर देना है। अब हम इसका ये जो प्लास्टिक था ये निकालेंगे। ये देखिए, ये ट्राई कलर मिठाई बहुत अच्छी लग रही है। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो इसे कैसे भी कट कर सकते हैं आप, अगर चाहे तो बड़ा साइज में कट करना है तो बड़ा साइज में भी कट कर सकते हैं। अब इसे घुमा के दूसरी तरफ से भी कट करना है। ये ट्राई कलर मिठाई बहुत अच्छी लग रही है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनी है। हमारी बर्फी बनके तैयार हो गई है। आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिए।
ऐसे ही लजीज रेसिपीज जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।